माता जी गुरु जी में मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आज तक दोस्तों जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा प्रेफर करते थे। ऑफलाइन क्लासेस में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते थे। लेकिन जब से ये कोविड की सिचुएशन आई है, इसके बाद से सभी बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए तो आपको प्रिपरेशन करने की आपकी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से वहां पर डिस्टर्ब हुई, आपकी प्लानिंग स्टडीज की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। तो इस तरीके से बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना ज्यादा मूव किया। यहाँ से आपका यहाँ तक जो ऑनलाइन एजुकेशन चलता था वो काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन अब जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, लगभग पूरे इंडिया के बच्चे आज की डेट में घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ही ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करने वाले बच्चे हों। तो और सबसे सेफ भी इस वक्त यही है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, घर बैठ करके आपको सबसे सेफ एजुकेशन यहीं पर मिल सकती है। और अगर कोविड का टाइम ना भी हो तो भी आपका बहुत ज्यादा ट्रैवल टाइम यहाँ पर बचता है। जितना टाइम आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ट्रैवल करने में लगाते हैं, खास तौर पे बड़े शहरों में मिनिमम से मिनिमम 2 to 3 hours आपका लगता ही लगता है ट्रैवल टाइम में, वो पूरा का पूरा ट्रैवल टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है आपका, आपकी थकावट सेव हो जाती है और आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट मौजूद है ऑनलाइन प्रिपरेशंस करने के लिए इस एग्जाम की। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने रैंकिंग वाइज सभी इंस्टीट्यूट और उनकी शॉर्ट डिटेल्स के बारे में आपको बताया है। इन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग वाइज लिस्ट की तरफ आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, और सभी इंस्टीट्यूट के बारे में इंडिविजुअल वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं और एक कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, और इन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, आप उनके बारे में और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपनी वीडियो में और आगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की इंफॉर्मेशन लेकर के। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन या कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के नाम से इसे जाना जाता है, और ये काफी ज्यादा नामी एग्जाम है कर्नाटका में, और इसी एग्जाम को क्वालिफाई कर हाईएस्ट रैंक की जॉब, ऑफिशियल जॉब आपको प्रोवाइड की जाती है, ऑफिसर रैंक की, हाईएस्ट रैंक की जॉब आपको प्रोवाइड की जाती है कर्नाटका में। तो जितने भी बच्चे केपीएससी की ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों जो सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं केपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और वो है द प्रयास इंडिया। द प्रयास इंडिया पूरे इंडिया में रैंक नंबर 1 पर आता है केपीएससी की ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाने के लिए। द प्रयास इंडिया आज की डेट का काफी ज्यादा जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की लगभग ये प्रिपरेशन करवाते हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे आरबीआई एग्जाम हो, चाहे आपको स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करनी हो, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करनी हो, या चाहे आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी हो, सभी की क्लासेस लगभग ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बहुत ही अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये, और बहुत ही अच्छा कंटेंट ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं, हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।